समस्तीपुर ज़िले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के पासवान चौक स्थित एक निजी नर्सिंग होम महादेव सेवा सदन में प्रसव कराने आई एक महिला की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। मृतक की पहचान विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के दमदमा गांव निवासी पंकज कुमार की 26 वर्षीय पत्नी संगीता देवी के रूप में की गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतका की माँ सावित्री देवी अपनी लड़की की प्रसव कराने PHC मोहिउद्दीन नगर अस्पताल आई थी, जहां डॉक्टर ने किसी कारणवश मरीज को समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मौजूद निजी अस्पताल के दलालों ने उक्त मरीज को गुमराह कर सदर अस्पताल न जाने की सलाह देते हुए महादेव सेवा सदन ले जाया गया, जहां प्रसव के ऑपरेशन के दरमियान महिला की मौत हो गई। इस दौरान मृतका की माँ ने स्थानीय थाने के 112 पुलिसकर्मी को इस घटना की जानकारी दी, फिर भी पुलिस के द्वारा नर्सिंग होम पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। मृतका की मां सावित्री देवी ने नर्सिंग होम के संचालक और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहां से कहल कि यहाँ नहीं होते, चल जा प्राइवेट में। वहां प्राइवेट में पराई वाला बैठल है, वहां बतिया लेलक डॉक्टर से, कहल कुछ नहीं होगा तुमको लड़की को, हम रिस्क लेते हैं, चलो उसमें। उसमें आए, नॉर्मल बच्चा होता था, जबरदस्ती पेट खोल दिया और नॉर्मल नहीं होने दिया। क्या नाम है जो देत की उनका, क्या नाम? संगीता कुमारी। पति का नाम? पंकज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? दमदमा। हम ससुराल हुआ। अपने के घर कहाँ है? लखनपुर। लखनपुर। बाबू के हमारा जबरदस्ती डिलीवरी कर ला। नॉर्मल आदमी को पहचानते हैं? हाँ, वो भाग गया। कहाँ के आदमी है? क्या आदमी है? हाँ, महादेव। कौन अस्पताल में घटना हुआ है? महादेव में। आपका नाम क्या हुआ? सावित्री देवी। यहाँ मामला है, हम लोग को सूचना मिला 3:52 पर, तब हम यहाँ हॉस्पिटल सेवा सदन में पहुँचे तो सूचना यही मिला था कि एक प्रेगनेंसी औरत को मृत्यु हो चुका है। हम आकर के जब देखे तो वास्तव पाए कि हम मृत्यु हो चुका है। उसका बच्चा तो जिंदा है, लेकिन आप जो पेशेंट थे वो उसका मृत्यु हो गया। कहाँ के पेशेंट? ये पेशेंट है लखनपुर का। इसका ससुराल है विद्यापति दमदमा जी। हम आके देखे अभी तक कोई हॉस्पिटल का सदर नहीं पहुँचे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम SI परमनाथ राम। हम 112 पद स्थापित हैं।